लैंग्वेज डेवलपमेंट इन यू एस ए ये स्टूडेंट मुझे इस मॉड्यूल में आपसे यू एस ए में लैंगज डेवलपमेंट के बारे में बात करनी है सो बायोल्ग्ज़म इन यू एस ए बायिजम से मुराद दो ज़बानों का सीखना यू एस एज ए कंट्री विद वाइड लैंग्वेज स्पोकन ड्यू टू दमीग्रेशन चूँकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा तारकिन वतन हैं और वह वो, वो अपनी ज़ुबानें अपना कल्चर साथ लेके जाते हैं तो इसकी वजह से वहाँ लैंग्वेज डाइवर्सटी बहुत है और हैविंग इंग्लिश स्पेनिश चाइनीज़ टेगलॉग फ्रेंच एंड अरेबिक ये लैंगवेज़ भी वहाँ बोली जाती हैं इट्स बेनिफिट्स आर इम्प्रूव कागन एबिलिटीज़ बायो का ये फ़ायदा है कि ये बच्चे की कागनेटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है और कल्चरल और इकनॉमिक एडवान्टज़ भी फ्राहम करता है और इंटरकल्चरल टू क्योंकि कनेक्शन विद द हेरिटेज एंड फैमिली तो जो इंटरकल्चरल कम्यूनिकेसन है मुखलिफ़ कल्चर्स के लोगों का आपस में इब्लाग करना इंटरेक्शन करना उससे उनके कनेक्शन भी मज़बूत होते हैं और उनकी फैमिली और हेरिटेज का भी बाउंड बनता है ये सामने आप में तस्वीर में एक रिसर्च की रिपोर्ट है अमेरिका में जो मेन लैंग्वेज स्पोकन एट होम बाय यूएसए रेजिडेंट्स एज फाइव इयर्स एंड ओल्डर 2008-10 की ये स्टडी है इसमें आप देखें जो इंग्लिश बोलने वाले हैं उनकी तादाद है 79.7 परसेंट और स्पेनिश जो बोलते हैं वो ट्वेल्व पॉइंट सिक्स है और इसके अलावा बाकी जो मसलन चाइनीज़ है हिंदी उर्दू है फिलपीनी है और इस तरह की दूसरी लैंग्वेज की ये आपको परसेंटेज नज़र आ रही है जिससे आपको पता चलेगा लेकिन जो मेजॉरिटी है वो इंग्लिश ही बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है ये एक्विजिशन का डेवलपमेंट का पीरियड अर्ली चाइल्डहुड का है तो इंग्लिश एज़ अ प्राइमरी लैंग्वेज फॉर मोस्ट चिल्ड्रन तो वहाँ भी इंग्लिश उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मेजोरटी लोग इंग्लिश ही आ, सीखते हैं स्कूलों में भी इसको डेवलप किया जाता है और चिल्ड्रन फ्रॉम वेरियस कल्चर्स फेस प्रॉब्लम्स इन लर्निंग इंग्लिश तो जो मुख्तु कल्चर से लोग वहाँ आए हैं उनको इंग्लिश लर्न करने में प्रॉब्लम होते हैं और सच एज वैकेबलरी एक्विजिशन वैकेबलरी का हासिल करना ग्रामर एंड एडजस्टिंग अ न्यू कल्चर तो नए कल्चर के साथ एडजस्ट होना ये मेन प्रॉब्लम है एन एजुकेशनल इन्वायरमेंट और वहाँ के एजुकेशनल इन्वायरमेंट पर में एडजस्ट होना लैंग्वेज माइल एंड एजुकेशन लैंग्वेज माइल जो है लैंग्वेज एक्विजिशन के माइल दुनिया भर में सेम हैं जैसे देखें बच्चे बच्चे की जो लैंग्वेज वो साउंड से शुरू हो के आवाज़ों जो वर्ड्स और सेंटेंसेस तक जाती है इसमें बैबलिंग फर्स्ट वर्ड वर्ड्स कंबाइनिंग वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड डेवलपिंग मोर कॉम्प्लैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। के लैंग्वेज डिवेलपमेंट इज़ क्लोजली टाइड एजुकेशनल सक्सेस इन इन द यू एस ए तो जो लैंग्वेज डिवेलपमेंट है वो uh, वहाँ के एजुकेशन सक्सेस के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है अमेरिका में और अर्ली लैंग्वेज इंटरवेंशन सपोर्ट एनशोर ऑप्टीमल लैंग्वेज डिवेलपमेंट तो अमेरिका के स्कूलों में वहाँ के सिस्टम में लैंगवेज डिवेलपमेंट के लिए बहुत से रिसोर्स फ्राम किए जाते हैं इन बाइलिंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स दो ज़बानों वाले एजुकेशनल प्रोग्राम्स स्टूडेंट स्टडी इन बोथ इंग्लिश एंड देर नेटिव लैंगवेज जो वहाँ अपने कल्चर के साथ वो लेकर गए होते हैं या वहाँ जो लोग हैं उनके आबादकार हैं जो पुराने से बायल प्रोग्राम्स एंड देयर बेनिफिट्स दो ज़बानों वाले प्रोग्राम्स और उनके बेनिफिट्स क्या हैं डूअल लैंग्वेज इन्वालमेंट इसमें दो ज़बान इन्वॉल्व होती हैं ट्रांजिशनल बायोलिंग एजुकेशन तो इसमें दो बायोलिंग एजुकेशन फरहम की जाती दो ज़ुबानों पर मुश्त एजुकेशन और मेंटेनेंस बायो एजुकेशन बाय एजुकेशन को मेंटेन रखा जाता है और प्रोमोटिंग बाय और बायो लिट्रेसी तो दो जुबानों का और फिर बायो लिट्रेसी ने दोनों जबानों में लिटरेसी इसको मेंटेन रखा जाता है प्रमोट किया जाता है और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग तो मुख्तु कल्चर्स की अंडरस्टैंडिंग ये भी उससे हासिल होती है एंड इम्प्रूव एकेडमिक आउटकम्स और इससे तरक्की याफ्ता आउट एक्डेमिक आउटकम्स हासिल होते हैं इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज प्रोग्राम्स जो तारकिन वतन हैं उनके लिए इंग्लिश क्या है एज ए सेकेंड लैंग्वेज इवन पाकिस्तान में इंग्लिश हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग है तो ई एस एल प्रोग्राम डिजाइन टू सपोर्ट स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज तो जो सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश सीख रहे होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम फ्राम किए जाते हैं दीज प्रोवाइड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड सपोर्ट टू डिवेल्प इंग्लिश प्रोफिशंसी इन स्टूडेंट्स तो ये बच्चों में स्टूडेंट्स में इंग्लिश प्रोफिशंसी को डिवेल्प करते हैं ये जो प्रोग्राम्स हैं और मेजोरटी क्लास रूम इन यू एस ए तो यू एस ए के जो क्लास रूम्स में मेजोरटी है वो उसमें ये दोनों प्रोग्राम फ्राम किए जाते हैं एक्स्ट्रा लैंग्वेज सपोर्ट फॉर इंग्लिश लर्नरस तो जो सेकेंड लर्नर्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट फ्राहम की जाती है और लैंग्वेज असमेंट एंड सपोर्ट तो लैंग्वेज की असेसमेंट और सपोर्ट किस तरह की जाती है कि लैंग्वेज असेसमेंट लाइक विडा वर्ल्ड क्लास इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड असेसमेंट ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स हैं असेसमेंट के लिए सो लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट हैं एंड अदर लैंग्वेज डेवलपमेंट मैरस हैं कुछ दूसरे लैंग्वेज डेवलपमेंट मैयर्स हैं जिनको मैर करते हैं उनसे uh, तो और स्पोर्ट सर्विसज़ फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट तो सर्विस और स्पोर्ट सर्विस फ्राह्म की जाती हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए और उसके असेसमेंट के लिए इसमें कि लाइक ई एस एल टीचर्स हैं और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट जो इसको फ्राहम करते हैं फिर लैंग्वेज रिच इन्वायॉयरमेंट ये भी इसमें फ्राहम किया जाता है कल्चरल कंसर्नज इन लैंग्वेज डिवेलपमेंट लैंग्वेज डिवेलपमेंट में कल्चर्स का बहुत गहरा रोल है तो कल्चरल फैक्टर्स कैन शेप लैंग्वेज डिवेलपमेंट इन द यू एस ए तो यू एस ए में भी ये कल्चर जो है वो बो लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत असरअंदाज होता है और लाइक कल्चरल नॉर्म्स कल्चर नॉर्म्स ट्रेडिशंस स्पीकिंग स्टाइल्स विद डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज तो डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज के साथ स्पीकिंग स्टाइल जो उनका ये आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं तो इससे भी उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है और रिस्पेक्ट द कल्चर बेस प्रैक्टिसज़ तो लोगों के जो कल्चर बेस्ड प्रैक्टिसज है उनकी रिस्पेक्ट की जाती है उसको स्पेस दी जाती है इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शन तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की तदरीस में और सपोर्ट द कल्चरल आइडेंटिटीज़ एंड बैकग्राउंड ऑफ डाइवर्स लर्नर्स तो जो कल्चरली डिफरेंट कंट्री से आए हुए लर्नर्स हैं उनको लिए उनके लिए वह कल स्पोर्ट फ्राम की जाती है और कल्चरल उनकी कल्चर जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको भी मेन ट्रेन रखा था जाता है। तो ये थी यू में लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो प्रैक्टिस हैं और वो उस पर मैंने आपसे बात की